बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल मैड आर्ट क्लाउड। आज इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी है 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनी टू इन्फिनिटी साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक पाई एस माइनस कॉस पाई थीटा डी एस इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा। यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले यहाँ पर लेट लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक पाई एस माइनस कॉस पाई थीटा डी एस। हमने इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखें, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एस है तो साइन पाई थीटा एक कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो हम इसे इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू साइन पाई थीटा इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/ कॉस हाइपरबोलिक पाई एस माइनस कॉस पाई थीटा डी एस। अब यहाँ पे ये करेंगे हम कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसे हम पहले अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे। कंसीडर कॉस हाइपरबोलिक पाई एस माइनस कॉस पाई थीटा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम कॉस हाइपरबोलिक की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू पावर पाई एस माइनस प्लस ई रेज टू पावर माइनस पाई एस डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस पाई थीटा। अब यहाँ पे हम ये करते हैं, ई रेज टू पावर माइनस पाई एस को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 को हम यहाँ पे ये करते हैं, कॉमन लेते हैं। पहला स्टेप ये करते हैं कि 1/2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू पावर पाई एस प्लस ई रेज टू पावर माइनस पाई एस माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास कॉस पाई थीटा। अब इसे हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो 1/2 ई रेज टू पावर पाई एस प्लस 1/ ई रेज टू पावर पाई एस माइनस 2 कॉस पाई थीटा। अब हम एलसीएम लेंगे अंदर 1/2, या ये भी कह लें कि हम ई रेज टू पावर 1/ ई रेज टू पावर पाई एस को हमने कॉमन ले लिया या एलसीएम ले लिया, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू पावर 2 पाई एस प्लस 1 माइनस 2 ई रेज टू पावर पाई एस कॉस पाई थीटा। अब हम इन दोनों टर्म्स का स्केयर कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1/
टू ई रेज टू पावर पाई एस ई रेज टू पावर टू पाई एस माइनस टू ई रेज टू पावर पाई एस कॉस पाई थीटा। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर पाई थीटा प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर पाई थीटा। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने कॉस स्क्वायर पाई थीटा को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वन ओवर टू ई रेज टू पावर पाई एस। यहाँ पे ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ई रेज टू पावर पाई एस माइनस कॉस पाई थीटा होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर पाई थीटा। अब इस वैल्यू को हम इस यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वैल्यू हमने पुट कर दी सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये टू ई रेज टू पावर पाई ऐसा ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। टू एक कांस्टेंट है, इसे हमने इंटीग्रल से बाहर लिख लिया और ई रेज टू पावर पाई एस हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट यू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर पाई एस इम्प्लाइज डी यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा पाई ई रेज टू पावर पाई एस डी एस। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी यू ओवर पाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर पाई एस डी एस। अब चेंज ऑफ बाउंड हम देखते हैं क्या आएगा कि व्हेन एस अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी देन यू अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्योंकि जब यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, वन ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है। एंड व्हेन एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ यूं हो जाएगा I इज इक्वल टू टू साइन पाई थीटा इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर पाई एस डी एस की जगह हम लिख लेंगे डी यू ओवर पाई। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर पाई और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा यू माइनस कॉस पाई थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पाई थीटा। अब वन ओवर पाई हमारे पास कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे आई इज इक्वल टू टू साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास पाई आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी डी यू ओवर यू माइनस कॉस पाई थीटा होल स्क्वायर
प्लस साइन स्क्वायर पाई थीटा। नोट करें कॉस पाई थीटा और साइन पाई थीटा इस केस में हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास यू है। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। नोट करें हमारे पास होता है डी एक्स ओवर एक्स प्लस ए या फिर माइनस ए होल स्केयर प्लस बी स्केयर, ये इक्वल होता है हमारे पास वन ओवर बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। इस फार्मूला को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल टू टू साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाय पाई वन ओवर बी। इस केस में बी हमारे पास साइन पाई थीटा है, टेन इनवर्स ऑफ, ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया तो हमारे पास आएगा वन ओवर साइन पाई थीटा टेन इनवर्स ऑफ यू माइनस कॉस पाई थीटा डिवाइडेड बाय साइन पाई थीटा। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसे हम लिमिट से बाहर भी लिख सकते हैं, तो ये और ये साइन पाई थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अब हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अप्लाई करना है। हमने यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई की, जब यू की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये सारी टर्म हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पे जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे यू ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास माइनस कॉस पाई थीटा डिवाइडेड बाई साइन पाई थीटा आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू टू ओवर पाई टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास होता है पाई बाय टू। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आएगा तो इस नेगेटिव साइन को प्लस कर दें। तो यहाँ पे टेन इनवर्स कॉट पाई थीटा आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हम जानते हैं टेन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल होता है कॉट एक्स के। आई इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई पाई पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स ऑफ, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा टेन पाई बाई टू माइनस पाई थीटा। टेन इनवर्स और टेन जो है वो एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, तो आई इज इक्वल टू टू ओवर पाई इंटू पाई बाय टू प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई बाय टू माइनस पाई थीटा। पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू हमारे पास पाई के इक्वल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू टू ओवर पाई, ये हमारे पास पाई के इक्वल आ गया माइनस पाई थीटा इज इक्वल टू टू ओवर पाई, यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास वन माइनस थीटा रह जाएगा। पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे तो आई इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस थीटा विच इम्प्लाइज वन ओवर टू आई इज इक्वल टू वन माइनस थीटा जिस इम्प्लाइज वन ओवर टू आई की वैल्यू पुट कर देंगे हम इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक पाई एस माइनस कॉस पाई थीटा डी एस इज इक्वल टू वन माइनस थीटा हेंस टू। आज की वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।